दोस्तों, इंडिया के अंदर दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इन दिनों बोलबाला हो रहा है। मतलब जनता जनार्दन के बीच में ये दोनों जो विस्कीज हैं, दोनों जो ब्रांड्स हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और उन ब्रांड्स का नाम है रॉयल स्टैग विस्की और रॉयल ग्रीन विस्की। और स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के हमारे इस एपिसोड के अंदर। और दोस्तों, वॉर ऑफ बॉटल्स के अंदर आज हमारे सामने जो दो ब्रांड्स हैं वो दोनों ही रॉयल है। मतलब दोनों ही ब्रांड्स का नाम रॉयल से स्टार्ट होता है। एक तरफ तो हमारी रॉयल स्टैग और दूसरी तरफ हमारी जो रॉयल ग्रीन विस्की है। लेकिन क्या सिर्फ इनका नाम ही रॉयल है? नाम रॉयल नहीं है, मतलब इनका जो काम है वो काम भी रॉयल है। बिकॉज इंडिया के अंदर जिस सेगमेंट में दोनों विस्कीज आ रही है, उस सेगमेंट के अंदर अनएक्सपेक्टेड सेल आती है, बहुत ज़्यादा सेल होती है। बिकॉज लोग इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। मतलब जो 700-800 रुपए की रेंज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। तो चलिए चेक करते हैं हम इन दोनों ब्रांड्स को कि आखिर किस में कितना है दम। मुझे पता है दोस्तों कि अब आप लोग क्या बोलोगे। आप लोगों का सवाल रहेगा कि दोनों विस्कीज के अंदर यार क्या कंपैरिजन है। बिकॉज जो रॉयल स्टैग विस्की है वो इंडिया के मार्केट के अंदर सालों से है, बहुत सारे विस्की लवर्स की फेवरेट ब्रांड है हमारी रॉयल स्टैग। और ये विस्की लॉन्च हो गई थी 1995 के अंदर। हाथ ले आता हूँ पीछे में, बहुत पुराना टाइम है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें रॉयल ग्रीन विस्की की, तो ये विस्की इंडिया में लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर। तो मतलब दोनों विस्कीज के अंदर 20 साल का डिफरेंस है, बहुत लंबा गैप है। लेकिन बात सिर्फ 20 साल की नहीं है, बात सिर्फ केसेस सोल्ड करने की नहीं है, बात है कि क्या रॉयल ग्रीन विस्की का जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, वो रॉयल स्टैग विस्की के इक्विवेलेंट है या फिर दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो यार जब हम टेस्ट रिव्यू और नोजिंग चेक करेंगे तब ही बता पाएंगे आप लोगों को। फिलहाल बात करते हैं कि कौन सी कंपनी इन दोनों विस्कीज को बना रही है। दोनों जो कंपनी है वो अलग अलग कंपनीज है। रॉयल स्टैग विस्की को बनाने वाली कंपनी का नाम है पर्नोड रिकार। वहीं पे जो कंपनी रॉयल ग्रीन विस्की को बना रही है उसका नाम है एडीएस स्प्रिट लिमिटेड। चलिए दोस्तों, दोनों विस्कीज को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन सी विस्की किसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रही है। सबसे पहले हमारा जो रॉयल स्टैग का ब्रांड है उसको हम डाल लेते हैं हमारे ग्लास के अंदर। उसके बाद आती है हमारी एक और रॉयल विस्की जिसका नाम है रॉयल ग्रीन। ठीक है, तो दोनों विस्कीज को हमने ग्लास के अंदर डाल लिया है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉयल स्टैग विस्की के साथ। अगर हम बात करें कलर की, तो कलर रॉयल स्टैग विस्की का एम्बर कलर है, जैसा कि आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है। और चेक करते हैं कि नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं इस विस्की के। लीफी आरोमा एंड वुडी आरोमा, ये दो नोट्स जो हैं वो मेरे को इजीली डिटेक्ट हुए हैं इस विस्की के अंदर से। और वुड्स के अंदर भी दोस्तों मैं बोलूँगा जो चार्ड ओक्स हैं उनका नोजिंग नोट्स मेरे को मिला है इस विस्की के अंदर से। लिटिल बिट जो फ्रूट है, फ्रूटी नोट्स हैं वो भी मेरे को इसमें से आ रहे हैं। स्पेशली जो गुआवा है उसके मेरे को नोट्स इसके अंदर से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि कितनी ओवरपावर्ड है विस्की, तो मीडियम से थोड़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। एक वो जो भपका है वो तो मेरे को महसूस हुआ है रॉयल स्टैग विस्की के अंदर से। देखिए दोस्तों, मीडियम बर्न मेरे को मिल रहा है इस विस्की के अंदर से। और उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न बिल्कुल साफ है, बिकॉज जो न्यूट्रल स्प्रिट है उसका इस्तेमाल किया गया है इस विस्की को बनाने के लिए। जो मोलाशिज हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, ग्रेन्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है, बिकॉज वो वाला टेस्ट तो मुझे फील हो भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। उसके अलावा जो टच ऑफ स्मोक है वो भी इस विस्की के अंदर से मुझे मिला है। स्मोकी फ्लेवर की विस्की मैं इसको बोल सकता हूँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा बहुत कम जो माइल्ड फ्रूट्स हैं उनके फ्लेवर भी मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं।
तो चलिए अब चेक करते हैं हम रॉयल ग्रीन विस्की को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कलर की। कलर इस विस्की का गोल्डन येलो कलर है और देखते हैं नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं इसके। ग्रेसी नोट्स आ रहे हैं और ग्रीनी नोट्स भी मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस विस्की के अंदर, रॉयल ग्रीन विस्की के अंदर हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहा है कि ये जो विस्की है ये मोलेसेस से बनी है या ग्रेन से बनी है। मतलब एज सच मेरे को मोलेसेस का तो कोई भी जो नोट्स है वो फील नहीं होने, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना भारी पड़ता है मेरे लिए कि यार इतनी कम प्राइस के अंदर जो ग्रेन बेस्ड स्प्रिट है उसको बनाना क्या पॉसिबल हो पा रहा है कंपनी के लिए। मतलब मेरे को शायद इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ग्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है इस विस्की को बनाने के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत जो स्मोकी है और स्वीट नोट्स है वो मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं। बैलेंस्ड टेस्ट है दोस्तों इस विस्की का। इसके अलावा जो ग्रेन्स के फ्लेवर हैं वो भी मुझे फील हो रहे हैं इस विस्की के अंदर से। डिस्टिंक्टिव आरोमा मेरे को फील करा रही है विस्की। जब मैंने इस विस्की को ड्रिंक किया, अपने माउथ के अंदर रखा और इसको रिवॉल्व करा तो मेरे को वो आरोमा फील हुआ। इसके अलावा स्मूथ है, नो डाउट। इसके अंदर कोई भी दूसरी राय नहीं दोस्तों कि विस्की स्मूथ नहीं है, स्वीट भी है। स्वीटनेस भी फील कर रहा हूँ इस विस्की के लिए मैं, और फ्रूट्स का फ्लेवर भी आ रहा है मेरे को इस विस्की के अंदर से। इजी टू डाउन विस्की है ये। और अगर मैं बात करूँ हार्शनेस की तो हार्शनेस तो बिल्कुल भी नहीं है इस विस्की के अंदर। और अगर बात करें फिनिश की कि फिनिश कैसी है इस विस्की की, तो फिनिश इस विस्की की रहेगी स्मूथ। चलिए बात करते हैं प्राइस की और अल्कोहल बाय वॉल्यूम की। तो दोनों विस्की की जो प्राइस है दोस्तों वो है 720 रुपीस इन राजस्थान और अल्कोहल बाय वॉल्यूम है 42.8%। तो अगर हम बात करेंगे प्राइस की या एबीवी की तो कोई भी इफ एंड बट नहीं है, लेकिन बात यह है कि दोनों विस्की के अंदर सिलेक्ट कौन सी विस्की करें। अगर दोस्तों आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि यार मुझे दोनों में से कौन सी विस्की ज़्यादा पसंद है, तो मुझको तो यार रॉयल ग्रीन विस्की ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे थोड़ी स्वीट स्मूथ और जो फ्रूटी विस्की है वो ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन वो मेरे पैलेट्स हैं। अगर आप लोगों को ऐसी विस्की पसंद है जिसके अंदर स्ट्रांगनेस हो, स्मोकी कैरेक्टर हो, तो आप लोगों को जाना चाहिए रॉयल स्टैग विस्की के साथ। और अगर आपको जो मेरे पैलेट से मेरे वाले फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप लोगों को जाना चाहिए रॉयल ग्रीन विस्की के साथ। दोस्तों रेपिस्ट रंजीत की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। लेकिन मित्रों, दोस्तों, भाइयों, यहाँ पे टाइम हो गया है अपने अपने घर जाने का। तो जिन जिन लोगों के हाथ में जो जो आ रहा है, मतलब आधा क्वार्टर हाफ या बॉटल, उसको साथ में कैरी कर लीजिए अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार और घर जाके आराम से उसको खोलिए और इंजॉय करिए। लेकिन पीने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार 180 ml क्वांटिटी काफ़ी होती है पीने के लिए, उससे ज़्यादा मत पीजिए, बिकॉज 60 ml के तीन पैक काफ़ी है सरूर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मजाक के लिए और मस्ती के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल का तो हो सकता है आपको जवाब देना पड़ जाए, सॉरी आपके लीवर को, बिकॉज बॉडी है आपकी, लीवर है आपका, तो ख्याल भी आपको ही रखना है। और इन्हीं ख्यालों के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। मैं जल्दी आऊंगा नई विस्की के साथ, नई बॉटल के साथ, अनबॉक्स करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तब तक आप लोग याद करिए मुझे दुआओं में, जिसे हम कहते हैं ना, दुआओं में याद रखना। चीयर्स, गुड बाय एंड जय भवानी।